हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसा करे वड़कम खम्मावणी और राम राम सा आप सबका स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इनक्रेडिबल हिंदुस्तान व्यूज में। दोस्तों आज हम मांडो सीरीज के दूसरे भाग पर हैं और इस भाग में हम वर्णन करेंगे बाज बहादुर महल का। दोस्तों बाज बहादुर महल के इतिहास की बात करें तो इसके प्रवेश द्वार पर हमको फारसी में लिखे कुछ शब्दों के अनुसार इसका निर्माण 1509 ईस्वी में राजा नसीरुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। 1555 से 1561 के मध्य राजा बाज बहादुर ने इसको अपने निवास स्थान के रूप में पुनर्निर्माण करवाया था। बाज बहादुर महल के प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर हमें छोटा सा गार्डन निर्मित दिखाई देता है और उसके ठीक आगे एक और प्रवेश द्वार है जिसके अंदर जाने पर हमको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसके चारों ओर प्रांगण बना हुआ और उसके मध्य भाग में हमको एक स्विमिंग पूल स्नानघर दिखाई देता है और इसके ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी अलग अलग कमरे बने हुए हैं और उसी उन्हीं कमरों में से होकर हम जब छत पर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर दो छतरियाँ बनाई दिखती है जो टावर है। जो इसके भीतरी भाग का टावर है उसके ठीक नीचे एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे में यदि हम कोई गाना गाते हैं तो पूरे महल में सुनाई देता है। उसी कमरे के माध्यम से राजा बाज बहादुर और रानी रूपवती संगीत की साधना करा करते थे जो कि पूरे महल में सुनाई देती थी। इसी वजह से इसको संगीत महल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मांडो सीरीज के पहले वीडियो रानी रूपवती वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। Right now and press the bell icon. Never miss an update.